नमस्कार, मैं संजय सकलानी, आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज। आप जैसे कि आपको पता है कि काफी दिन से ये यूपीसीएल पिटकुल अवर अभियंताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आज आप देख सकते हैं कि ये मंत्री हरक सिंह रावत जी के निवास स्थान पे बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इनका धरना प्रदर्शन काफी दिन हो गए हैं। हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, आज आप हरक सिंह रावत जी के निवास स्थान पे हैं, क्या कारण है इसका? अब आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग जो है अनिश्चित धरने पे बैठे हुए हैं, तो इस दौरान जो है हमने काफी कुछ जो है कागजी जो कार्रवाई है अन्य जो है मंत्रीगणों से भी जो है हम लोग लिखवा चुके हैं, और उस संबंध में भी मतलब हम जहां जहां पर भी हम लोगों की बातचीत हुई है, तो जब कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो आज सभी जो है छात्र छात्राओं ने निर्णय लिया कि हम जो है ऊर्जा मंत्री के आवास पर ही जाकर अब धरना करेंगे, और जब तक जो है हमसे कोई व्यक्ति मिलने नहीं आता है तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। हम जाएंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं। नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हैं? सर, हम तो उठेंगे नहीं तब तक धरने से, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। जी जी सर, अभी आगे क्या कार्रवाई हो रही है? अभी आपको इतने दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हैं। सर, अभी तो हमें अंदर से पता चला है कि मंत्री जी है नहीं यहाँ पे। जी एक एक से पूछेंगे क्या क्या बातें सामने आती हैं। जी नमस्कार, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं, अभी तक सिर्फ हमें आश्वासन ही मिल रहा है जी। और कोई लगता नहीं है कि हमारे इस पे कोई कार्रवाई हुई है, तो इसलिए हमने मंत्री जी के यहाँ ही धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। जब तक मंत्री जी हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम ऐसे नहीं उठेंगे जी। और भी हैं हमारे साथ भाई साहब, और भी हैं, क्योंकि ये काफी दिन से इनका मामला ये चल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारा धरना प्रदर्शन 27 तारीख से चालू हुआ था जी। आज हमें 13वां दिन है जी। हम धरना स्थल पर बैठे हैं, शासन की तरफ से हमारे पास कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि पूछने के लिए कि आपके क्या हालचाल है, कि आपकी क्या मांगे हैं, क्या क्या नहीं है। वो तो मीडिया का थोड़ा बहुत सही हो गया कि हमारा थोड़ा सा मुद्दा उछल रहा है जी, जी। अब जब हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो हमें फाइनली ये देखिए, हमारी एक फाइल भी है जिसमें हमने लगभग हर मंत्री से साइन करवा रखे हैं, सब ये कह रहे हैं कि हाँ ज्ञापन देंगे, मतलब आपका मसला सॉल्व हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। खुद मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम आपका करते हैं कि आपका सॉल्व कर देंगे, लेकिन कब सॉल्व होगा उसका हमें कोई लिखित में कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा ये मसला जल्द से जल्द शांत हो जाए, सॉल्व हो जाए हमारा, ताकि हमें हमारी ज्वाइनिंग मिले और हम अपने घर चले जाएं। 5 साल से हम इस भर्ती के पीछे पड़े हैं, मैं खुद ये एग्जाम 2 बार निकाल चुका हूँ। अब 2 बार निकालने के बावजूद मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तो मेरा मोरल इतना डाउन हो चुका है कि मैं तीसरे एग्जाम में बैठने को कैसे खुद को राजी करूं, क्योंकि अगर मैं उसको भी क्वालिफाई कर देता हूं तो मुझे क्या गारंटी है कि उसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब मैं फाइनेंशियली भी टूट चुका हूं, मेंटली भी टूट चुका हूं, डिप्रेशन से डील कर रहे हैं। सर, हम करें तो करें क्या? आश्वासन के सिवा हमको कुछ नहीं मिला। हमने डिसाइड यही किया है कि हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारा मंत्री जी हमें कुछ आश्वासन लिखित में नहीं देते। इसके बाद अगर 2-4 दिन के बाद अगर नहीं मानते तो हम फिर फाइनली भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। बस हम आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, ये उत्तराखंड सरकार का ये एक जो दूसरे पहलू बात करते हैं। सर नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हम बहुत दिनों से धरने पे बैठे हैं जी। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो, हमारा क्या कहते हैं 102 पोस्ट को अनफ्रीज किया जाए जल्दी, इसीलिए हम यहाँ पे सर माननीय ऊर्जा मंत्री जी के आवास पे धरने पे बैठे हैं। और भी युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, देखो हमारी जो मांग है सर बिल्कुल जायज मांग है सर। हम जब 252 पे एग्जाम हुआ है और जो है आप ये कह रहे हैं कि 147 पे ये शासन अनुमति मिली है, तो आप तो पहले सर ये बताइए कि जब 147 पे ये शासन अनुमति थी तो आपने 252 पदों पे एग्जाम क्यों करवाया? अब दूसरी बात ये, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 22,000 पद ला रहे हैं, तो 22,000 पद कैसे आ रहे हैं जब आप जो एग्जाम हो रहा है उसमें आप पद घटा दे रहे हैं, उसमें जो है 250 पे एग्जाम हो रहा है, उसमें से जो 100 पदों का आप रिजल्ट रोक दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जो है 22,000 पद नए लाएंगे। तो मैं सर, हम बहुत परेशान हो चुके हैं सर, हम आर्थिक रूप से मानसिक रूप से इतना जो है प्रेशर झेल चुके हैं कि हम जो है आत्मदाह जैसे विचारों से खुद से लड़ते हैं, तो हम शासन से क्या लड़ पाएंगे सर। लेकिन हमारी शासन से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो मांग है एकदम जायज मांग है, इस भर्ती को 5 साल हो गए, 5 साल से लड़के 2-2 बार एग्जाम निकाल चुके हैं,
लेकिन 5 साल बाद अगर आप री एग्जाम करा रहे हो, उसमें पद घटा रहे हो, एक ही तो भर्ती है सर इस डिपार्टमेंट में 5 साल से, उसमें भी आप पद घटा रहे हो। 5 साल में आप बताए सर रिटायर्ड नहीं हुए होंगे अपर अभियंता की पोस्ट में, पद खाली नहीं हुए, कंज्यूमर नहीं बढ़े, लोड नहीं बढ़ा, बिजली के जो है बिल नहीं बढ़े। तो सर जब ये सब कुछ हो रहा है तो आप कर्मचारियों की जो है कर्मचारियों को कम क्यों करना चाह रहे हैं? हम सर हमारे हम अब हमने तय किया है कि हम जो है धरना स्थल पे हमें तो कोई पूछ नहीं रहा, तो इसलिए हमने तय किया है माननीय मंत्री जी के यहाँ, जब तक वो खुद ये नहीं बोलते या हमें लिखित नहीं देते तब तक हम यही जो है बैठे रहेंगे, और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती हम यहाँ से हिलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं हिलेंगे, ये हमने तय कर लिया है। तो ये उत्तराखंड के युवाओं की हालत है कि किस तरीके से उत्तराखंड के युवा अनेकों मुद्दे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के ग्रेड पे का सवाल है, चाहे कोई भी अनेकों मुद्दे हैं यहाँ पर, और हम जाएंगे भाई साहब के पास। सर नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, सर मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ मजबूरियाँ उनकी भी रही होती है, वरना यूं ही युवा सड़कों पे नहीं आता। सर हम पिछले 15 दिनों से धरना कर रहे हैं, वहाँ कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए हम आज माननीय मंत्री जी के यहाँ धरने पे आए हुए हैं। अब अगर यहाँ से भी बात नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ सर। शासन प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते हम थक चुके हैं, शासन प्रशासन की इतनी नॉलेज होगी कि हम चले थे जेई बनने और ऊर्जा विभाग की जानकारी लेने, लेकिन हम यहाँ शासन प्रशासन की नॉलेज लेते लेते यहाँ राजनेता बनने चल लिए हैं। माननीय मंत्री जी से हम यही कहना है सर, हमें राजनेता नहीं बनना है, हमें केवल जेई बनना है, इसलिए हमारा निवारण करें, जल्दी से जल्दी हमारी 102 पोस्टों को अनफ्रीज करें। तो इनका मानना है कि ये करते करते कहीं ना कहीं हम राजनीति भी हमको सीखने लग गए हैं, राजनीति भी समझ में आने लग गई। और भाई साहब हैं जी, मेरा कहना ये है कि हम जितने भी लोग हैं शायद सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे माँ बाप हम पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब अपना ये कि पेट काट के तब जाके हमको पढ़ाते हैं, अपनी जरूरतों को मार मार के तब जाके पढ़ाते हैं। किसी के पिताजी किसान हैं, किसी के मतलब घर पे फार्मर हैं, कोई छोटी मोटी जॉब करके प्राइवेट जॉब करके हमारा मतलब पालन पोषण करते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं मेहनत से, और जब उन्हें लगता है कि हमारा बेटा मतलब अगर हम काबिल नहीं होते हैं उनकी पढ़ाई, तो इसमें अगर हमारी फॉल्ट होता है कि हमने पढ़ा नहीं है तो हमारी गलती कही जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे जब सिस्टम ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, मतलब पहले पद निकाले जा रहे हैं फिर उसे कम कर दिया जा रहा है, कम अगर पहले अगर विज्ञप्ति के टाइम पे किया जाता तब तो बात थी, लेकिन ये पद जो किए जाते हैं ये किए जाते हैं रिजल्ट के दिन। अब 250 पे तो पेपर कराते हैं, 252 पे पेपर कराते हैं, 147 पे रिजल्ट दे देते हैं। अब जो 102 लोगों का भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है पिछले 5 महीनों से। अब हम इधर उधर मतलब मंत्रियों से मिलके या किसी हरक सिंह रावत जी से भी, जो माननीय मुख्यमंत्री सॉरी जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उनसे भी हम लगभग 2-3 बार मिल चुके हैं, हमने उन्हें ज्ञापन भी दे दिया है, इसलिए हमने फैसला लिया है क्योंकि ज्ञापन से काम नहीं हो पा रहा है हमारा, इसलिए हम यहाँ पे आकर बैठे हैं कि वो हमको हमारे इस पे तुरंत कार्यवाही करें, और जो हमारे 102 पद हैं इन्हों जल्दी से जल्दी क्या किया जाए इनको, मतलब जो अगर फाइनेंस की कमी है तो शासन से अनुमति ले और घटाए गए पद हैं तो इनको वापस कर दिया जाए, मेरा यही कहना है इस मुद्दे। तो इनका मानना है कि ये आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और अनेकों मुद्दे हैं, उत्तराखंड में एक ही मुद्दा नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सकलानी, देहरादून। ठीक है।